हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना में आ गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिविलियन ग्रुप सी की। ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसियां आ गई हुई हैं। हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड में ये वैकेंसियां आई हुई हैं। कितने प्रकार की वैकेंसियाँ हैं? बार्बर की वैकेंसी है, अलग अलग जगहों पर, लखनऊ, इलाहाबाद, देहरादून, फतेहगढ़, फैजाबाद, MHOW, रानीखेत, जबलपुर। उसके बाद में चौकीदार की वैकेंसी है इन्हीं जगहों पर। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर सफाई वाला की वैकेंसी है। ग्रुप सी की लगभग बहुत सी पोस्ट यहाँ पर ट्रेड्समैन की भी निकाली गई है और बहुत मल्टीपल प्रकार की पोस्ट निकाली गई है। ऑफलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, कैसे भेजना है, सिर्फ आपको इस वीडियो को देखना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो एक नौकरी का मौका आपको मिल जाएगा। कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जो गलतियाँ हर बार लोग करते हैं और बोलते हैं मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, वो गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले मैं फॉर्म का प्रोसीजर बता देता हूँ, उसके बाद में हम इस वैकेंसी पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दो एनवेलप लेने हैं। सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पर लोग करते हैं, दो एनवेलप लेने हैं। पहला एनवेलप आपको बड़ा लेना है, एक नंबर मैंने बड़ा एनवेलप लिया है, दो नंबर छोटा एनवेलप लिया है। जो बड़ा एनवेलप है उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बार्बर, या फिर जो भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है, और भेजना है टू हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड BOO2 मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड, पिन कोड। तो इस तरीके से आपको एक बड़ा लेना है एनवेलप और उस पर ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद में इसको किनारे रख लेना है। उसके बाद में दूसरा एनवेलप लेना है जो इससे छोटा होना चाहिए, यानी कि वो इसमें आसानी से चला जाए। उसके बाद में इसमें अपना एड्रेस लिखना है, अपना पिन कोड लिखना है और कुछ नहीं करना है। ये दो चीज़ें आपको अपने पास रख लेनी है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम वैकेंसी की डिटेल पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, फिजिकली हैंडीकैप पीपल भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 40% से ज़्यादा आपकी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है मैं बता दूँ कि अगर आप इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, जितनी भी पोस्ट है, कितनी प्रकार की पोस्ट है, वो सब दी हुई है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम पोस्ट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास है तो इसमें आवेदन कर पाएंगे। एक साल का अनुभव होना चाहिए ट्रेड में, तो भी आपका यहाँ पर बहुत प्रेफरेंशियल रहेगा। यहाँ पर मांगा गया है डिजायरेबल एक साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल सिर्फ क्या है कि 10वीं आपने पास किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी प्रकार की पोस्ट है आपने 10वीं पास किया है तो उसको अप्लाई कर पाएंगे। 45 दिन के अंदर फॉर्म आपका आज की डेट से पहुंच जाना चाहिए। अभी अगर आप कोई डिले होगा, कुछ होगा, तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। अगर आपको भरना है तो फॉर्म को, वीडियो को देखिए और फॉर्म को भरिए और भेज दीजिए। कैसे भेजना है, क्या करना है मैं बता देता हूँ। सभी कैंडिडेट को एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप लेना होगा, जो मैंने पहले बता दिया है। अब आपको पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ेगा 100 रुपये का। किसके नाम पे? कमांडेंट MH रुड़की। आप जब इंडियन पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मुझे पोस्टल ऑर्डर बनाना है 100 रुपये का कमांडेंट MH रुड़की, तो वो बना देगा और वो पोस्टल ऑर्डर बना करके आपको उसी फॉर्म के साथ में रख देना है। अब आपको पूरा फॉर्म भरना है। फॉर्म इसमें नीचे दिया हुआ है, मैं पहले फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। सबसे नीचे आकर के मैं फॉर्म दिखाता हूँ। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पोस्ट लिखनी है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर नंबर लिखना है, एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है, डेट लिखना है, ये सारी चीज़ें लिखनी। ये भी चीज़ें मैं बता देता हूँ। कंसर्न यूनिट लिखना है, जो एड्रेस वहाँ पर दिया हुआ उसी एड्रेस को यहाँ पर फिलअप करना है। नाम अपना लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। नेशनलिटी भरनी है, कैटेगरी भरनी है, कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है और परमानेंट एड्रेस भरना है। एक वैलिड ईमेल आईडी आपको भरना है जो चलता हुआ रहे। उसके बाद में हाई स्कूल का पास किया, 8वीं और हाई स्कूल, इन दोनों की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। एक्सपीरियंस कोई है तो दे सकते हैं, अगर है तो उसका आप सर्टिफिकेट भी लगाइए। गवर्नमेंट में कहीं काम कर रहे हैं तो NOC आपको देनी पड़ेगी, और कब से कर रहे हैं उसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। इतना फॉर्म भरने के बाद में सिग्नेचर कर देना है, नाम लिख देना है, और 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपको यहाँ पर लगानी है, और सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ अलग से लगानी है। पोस्टल ऑर्डर आपको देना है, DD या पोस्टल ऑर्डर, जो मैंने बताया आपको, इन द फेवर ऑफ, किसके फेवर में, वही जो पहले था आपका कमांडेंट के फेवर में आपको देना है। पोस्टल ऑर्डर का नंबर यहाँ पर लिख देना है, वो आपको पोस्टल ऑर्डर में मिल जाएगा। जिस डेट में बनवाएंगे वो भी आपको पोस्टल ऑर्डर में मिल जाएगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, कितनी शीट आपने लगाई है, कौन कौन सी चीज़ें लगानी है मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगा देना है, सिग्नेचर कर देना है। ये तो बात हुई फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। अब इसके साथ क्या क्या लगाना है वो मैं आपको यहाँ पर ऊपर चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट लगाना है, यानी कि आप इंडियन नेशनल हैं। उसके बाद में इंडियन पासपोर्ट अगर है तो आप दे सकते हैं।
परमानेंट रेजिडेंस रजिस्टेंस है तो वो सर्टिफिकेट है तो वो भी आप दे सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको लगानी है, उसके बाद में जितनी भी एजुकेशनल मार्कशीट है वो आपको लगानी है। इतनी चीज़ों के बाद में, इतनी चीज़ों में कोई एक है आप तो आप दे सकते हैं, और इन चीज़ों में एक कोई आप देना है, और उसके बाद में आपको सारे एजुकेशनल मार्कशीट आपको लगा देनी है। एजुकेशनल मार्कशीट लगा देने के बाद फॉर्म आपको ये फिलअप कर लेना है। डॉक्यूमेंट लगाने की बात हो गई, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कितने प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिला करके आप ये देखिए 25, 50, 50, 25, यानी कि आपकी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स फेल होंगे। तो इस तरीके का आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन होने के बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। आप फॉर्म में देखिए एक चीज़ है यहाँ पर न्यूज़पेपर का एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट, उसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखते रहिए। जैसे ही अपडेट आ जाती है कुछ दिन में आ जाएगी, और न्यूज़पेपर का आपको यहाँ पर नंबर लिख देना है। तो ये था मुझे फॉर्म को फिलअप करने का। फिलहाल में वीडियो कैसा लगा है वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत।